रूपा जी, सबसे पहले बात करूँ अगर सोने और चांदी की, तो आपने रेंज दी थी $1780 से लेकर ऊपर में $1820 तक की। देख रहे हैं उसी रेंज में सोना आज ट्रेड करता नजर आ रहा है, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन $1818 पर है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सोना अगले कारोबारी सप्ताह यहाँ से तेजी की ओर जाएगा या फिर इसी रेंज में रह जाएगा? देखिए, फिलहाल सोने के अंदर ये रेंज ही देखने को मिल रही है 1880 से लेकर 1820 की, और यही रेंज लगता है कि अगले हफ्ते भी कायम रह सकती है। और अभी बाजारों के अंदर जो ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो साइडवेज मोमेंटम है। आगे चलकर इंट्राडे में अगर देखा जाए तो इंट्राडे में भी बाजार थोड़ा सा पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे सकते हैं, और ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो वो भी पॉजिटिव है। आगे चलकर मुझे लगता है कि सोने की कीमतों में उछाल आ सकता है, और आप देखिए अब $1820 के ऊपर अगर आज निकल जाता है, और जैसे कि हमने आज अच्छी खासी तेजी आते हुए भी देखी है, 1810 की रेंज नहीं तोड़ पा रहा था, वो रेंज टूटते हुए देखिए अब यहाँ से $1820 पर है, तो मुझे लगता है कि 1820 के बाद 1840 से $1860 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो सोने और चांदी के अंदर खरीदारी की रणनीति हर निचले स्तर पर लेकर चलनी चाहिए, और चांदी भी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में $24 तक के स्तर छू सकती है, $24 से $25। तो दोनों ही कमोडिटी के अंदर अच्छी खासी तेजी की उम्मीद है, और अगर अब नया हाई लगता है यहाँ से इंटरनेशनल मार्केट्स में तो एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यूशन में बना रह सकता है। तो फिलहाल आज इंट्राडे के लिए 47,900 के आसपास अभी ट्रेड देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी बाय किया जा सकता है, और अच्छी तेजी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे सकती है। आज इंट्राडे में हो सकता है कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन और साल के आखिरी कारोबारी दिन 48,200 तक के स्तर जो है सोने में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर बाइंग में रहना चाहिए, और चांदी में 62,500 से लेकर 62,800 की रेंज आज इंट्राडे में बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी, इसी रूपा जी बात करें अगर क्रूड की, तो क्रूड ऑयल में देख रहे हैं कि WTI $76 पर है और ब्रेंट क्रूड ऑयल $79 पर। रूपा जी, हमने ब्रेंट में $80 का भी लेवल टच होते हुए देखा है, आपको क्या लगता है आज जो हल्की सी मुनाफा वसूली बली है, क्या ये अगले सप्ताह थोड़ी और गहराएगी या फिर अगले कारोबारी सप्ताह क्रूड की कीमतों को सपोर्ट रहेगा और कीमतें एक बार फिर से तेजी की ओर रहेंगी? देखिए, अगला सप्ताह काफी अहम रहने वाला है क्योंकि 4 तारीख को ओपेक की बैठक है, और उसके अंदर क्या अपडेट्स निकल कर आते हैं कि वो फरवरी के लिए अपना प्रोडक्शन जारी रखेंगे या उसमें बढ़ोतरी करेंगे या कमी करेंगे, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा काफी कुछ। तो लेकिन फिलहाल जो क्रूड की चाल बनती हुई दिखाई दे रही है, लगातार हमने अब इसमें तेजी आते हुए देखी है, और आज भी देखा जाए तो $76 के ऊपर अभी भी क्रूड सस्टेन है। कल के कारोबारी सत्र के मुकाबले गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन गिरावट का दौर जो है वो बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल क्रूड में क्रूड की कीमतों में तेजी का ही दौर है, और ऐसे में माना जा रहा है कि प्राइसेस अभी और अपसाइड की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि देखिए काफी सारे फंडामेंटल्स हैं जो अहम रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। US में क्रूड इन्वेंट्री के आंकड़े जो है वो एक सपोर्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं, उधर से लीबिया ने भी तेल का प्रोडक्शन फिलहाल रोक दिया है, और नाइजीरिया ने भी तेल का उत्पादन बंद कर दिया है क्योंकि वहां पर ऑयल फील्ड बंद होने से उत्पादन घटा है। तो ऑयल फील्ड बंद होने का असर सीधा सप्लाई पर पड़ता हुआ दिखाई दिया है, सप्लाई में कमी आने के कारण कीमतों में तेजी आई है। और दूसरा, इन्वेस्टर्स की नजर जो है ओमिक्रॉन के ऊपर भी है, ओमिक्रॉन का आगे कैसा इंपैक्ट रहता है इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। वहीं चीन के जियान शहर में देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं जो अगले साल कह सकते हैं, या फिर ये कहें कि अगले हफ्ते का जो पहला कारोबारी दिन होगा या अगला हफ्ता जो होगा वो काफी अहम रहेगा, क्योंकि 4 जनवरी को ओपेक की बैठक भी होनी है, उस पर भी नजरें हैं। तो फिलहाल कच्चा तेल पॉजिटिव है, ये सारे फैक्टर्स इसको सपोर्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ओपेक का क्या डिसीजन निकल कर आता है और ओमिक्रॉन का क्या इंपैक्ट होगा इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। आज इंट्राडे में कच्चे तेल के अंदर जो रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है वो 5660 से लेकर ऊपर में 5760 ये रेंज बन सकती है। आज हल्का सा बाजार गिर सकता है, 5580 से लेकर 5560 तक नीचे जा सकता है। जी, तो यानी कि जब तक विदेशों में देख रहे हैं कि जब तक US में इन्वेंट्रीज में कमी है, और इक्वाडोर हुआ, लीबिया हुआ, नाइजीरिया हुआ, यहाँ पर मरम्मत के चलते जो ऑयल फील्ड्स बंद की गई हैं इसकी वजह से उत्पादन में जो कमी आई है उसकी वजह से जो कच्चा तेल है उसकी कीमतों में थोड़ी बढ़त देखने को मिली है, लेकिन आगे जाके 4 जनवरी को जैसे रूपा जी ने बताया कि ओपेक और उसके सहयोगी देशों की बैठक होनी है, उसकी उनके डिसीजंस भी काफ़ी मैटर करेंगे और आगे कच्चे तेल की तेजी मंदी तय करेंगे कि जो पहला वाला प्लान था उसी पर स्टिक टू रहेंगे, उसी पर रहे अपने कच्चे तेल का उत्पादन रखा जाएगा, या फिर आगे ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए कच्चे तेल का उत्पादन तय करेंगे। ये
अब देखने वाली बात होगी, और ये तभी पता चलेगा जब ओपेक की बैठक होगी और उनका कुछ निर्णय होगा।